दोस्तों, अगर दुनिया में मंदिरों की बात की जाए तो यहाँ पर अनगिनत मंदिर होंगे और उनकी मान्यताएं भी अनगिनत होंगी। यूं तो भारत देश की हर गली और हर घर में आपको एक मंदिर देखने को मिल जाएगा। इसके बावजूद भी ऐतिहासिक और भव्य मंदिरों की इस देश में कमी नहीं है। इनमें से कई मंदिर तो ऐसे हैं जिनके रहस्य को आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में कुछ ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग सच में भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं ना, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक बार कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारी सूची में सबसे पहला मंदिर है चूड़ामणि मंदिर। अक्सर कहा जाता है कि चोरी करना पाप है, लेकिन दोस्तों इस मंदिर की मान्यता तो ये है कि इस मंदिर में चोरी करने से भक्त जनों की मनोकामना पूरी होती है। ज्यादातर इस मंदिर में वैवाहिक जोड़े संतान प्राप्ति के लिए माथा टेकने आते हैं। यह मंदिर उत्तराखंड के चुड़ियाल गांव में स्थित है। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी संतान प्राप्ति की चाहत है तो इस मंदिर में जाकर एक बार माथा जरूर टेकें। दूसरा मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर। देवी के 51 शक्ति पीठों में से कामाख्या शक्ति पीठ एक बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी पीठ है। इस मंदिर में आपको देवी दुर्गा या फिर माँ अम्बा की कोई प्रतिमा नहीं मिलेगी। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है। यह मंदिर आसाम के गुवाहाटी क्षेत्र में स्थित है। तीसरा मंदिर है चाइनीज काली मंदिर कोलकाता। चाइनीज काली माँ का मंदिर कोलकाता के टैंगरा में स्थित है, जो कि 60 साल पुराना बताया जाता है। इस जगह को चाइना टाउन भी कहते हैं। इस मंदिर में स्थानीय चाइनीज लोग पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ भक्तों में प्रसाद में नूडल्स और फ्राइड राइस बांटा जाता है। देवी को चाइनीज व्यंजन का भोग लगता है और फिर यही भक्त जनों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। इसी वजह से इस मंदिर का नाम चाइनीज काली माँ पड़ गया है। 55 साल के इसोन चैन इस मंदिर की देखभाल करते हैं। दोस्तों, इस मंदिर के पीछे एक कहानी बताई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि इस मंदिर से एक चीनी बच्चे का जुड़ाव भी है। दरअसल इस मंदिर में काफी समय से बीमार चल रहे एक चीनी बच्चे को लाया गया था और यहाँ आते ही उस बच्चे की बीमारी खत्म हो गई। इसके बाद चीनी लोगों का विश्वास इस मंदिर के प्रति काफी बढ़ गया था। नंबर 4, कानपुर का भूतों वाला मंदिर। कानपुर से तकरीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये एक गुप्तकालीन मंदिर है। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण अमावस की काली रात को किया गया था। इसे भूतों वाला मंदिर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस मंदिर के भीतर किसी भी देवी देवता या भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है। कहा जाता है कि पहले कभी किसी जमाने में इस मंदिर में भगवान की मूर्तियां हुआ करती थी और पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा भी की जाती थी, लेकिन मुगलों के शासन में यहां स्थापित अष्ट धातु की प्रतिमाएं चोरी की गई थी। कहा जाता है कि तब से ये मंदिर खाली है और यहाँ से आने जाने वाले हर व्यक्ति को बहुत अजीबोगरीब सी आवाजें सुनाई देती है। यहाँ इस मंदिर के आसपास रहने वाले लोग यह बताते हैं कि इस मंदिर से भूतों की पूजा करने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। इस मंदिर में भूत बड़ी ही धूमधाम से पूजा अर्चना करते हैं। यह भी माना जाता है यदि शाम के बाद कोई भी व्यक्ति इस मंदिर में प्रवेश करता है तो उसे अज्ञात बीमारियां हो जाती है और वह कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं रहता है। फिलहाल इस मंदिर में शाम 7 बजे के बाद प्रवेश करना सख्त मना है। दोस्तों, अंत में 5वां मंदिर है द ब्रेस्ट टेम्पल जापान। ये मंदिर थोड़ा हटके है क्योंकि ये विदेश में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर में महिलाओं के स्तनों की पूजा की जाती है। आपको शायद यह सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। जापान में स्थित ये अनोखा मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है।
बताया जाता है कि इस मंदिर में वृष्ट देवी छिछी गमीसम की पूजा की जाती है और इस मंदिर की पूरी सजावट रुई और कपड़े से बने वृष्ट यानी स्तनों से की गई है। कहा जाता है कि इस मंदिर में महिला सुरक्षित प्रेगनेंसी और वृष्ट कैंसर से बचने के लिए वृष्ट वाली देवी की पूजा करती है। ये भी मान्यता है कि इस मंदिर में आने वाली सभी महिलाओं की मनोकामना पूरी होती है और जिन महिलाओं की मन्नतें पूरी होती है वो यहाँ वापस आकर दमी ब्रेस्ट का चढ़ावा चढ़ाती है। और अगर मंदिर की सजावट की बात की जाए तो इसे भी एक अनोखा रूप दिया गया है। इस मंदिर की हर चीज देखने में बिल्कुल महिला के स्तनों के आकार की है। यहाँ तक कि मंदिर के फुवारे और मूर्तियाँ भी स्तनों के आकार जैसी बनाई गई है। यहाँ आने वाली महिलाओं के मुताबिक स्तनों वाली देवी उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इन मंदिरों में से आपको कौन सा मंदिर सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा आप हमें अपने प्यारे से कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी में रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।